हमारे साथ को समझ नहीं आ रही कि मैं फिश खाऊं या मैं ये खाऊं। ये जिस तरह था जरा पढ़ाई का स्टाइल रखना जरा। इतना मेरा पुत्र खुबे होया पढ़ाइया दे विच। तो पढ़ने का टाइम आना ना, एक लफज नहीं इन्ने पढ़ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जी हम कदर को कहा कि मुझे चाय बना के दो। यकीन करें कि ठंडे वाले दिन बहुत ही ज्यादा थक जाती हूँ। अच्छा, थक कैसे जाती हूँ कि एक तो हेल्पर भी नहीं आती हैं और काम शाम भी काफी ज्यादा हो जाता है। अच्छा, घर का काम होता है, खाना भी बनाना होता है, साथ में चैनल का भी काम होता है, तो यकीन करें बंदा बहुत ही ज्यादा थक जाता है। और क्या हुआ ये जी, इनको अभी मैंने शॉवर दिया है, कपड़े वगैरह इनके चेंज किए हैं, बस आमन इब्राहिम खे रहे हैं और उनको दस को अपने साथ लगाया। मैंने कहा मेरे साथ जरा शूटिंग करवा दो क्योंकि काम भी करना होता है और आपको पता है साथ में खाना भी बनाना है, सारे काम करने हैं। तो अब बस यहाँ से तो सफाई हो चुकी है सारी की सारी, इब्राहिम यहाँ पे खेल है और भाई से भी सफाई हो चुकी है, बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। आप बस खाना बनाने जा रही थी। आज ही मेरा दिल है कि आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करती हूँ। जब मुकद्दस आमना की जितनी थी ना, उस टाइम ये रेसिपी बनाया करती थी और आज मेरा दिल बस कर रहा था कि कोई चीज़ एक हट के आज बनाते हैं, तो मेरे जहन में ये वाली रेसिपी आई है। खड़ा चिकन बनाने जा रही हूँ तो उसकी रेसिपी बिल्कुल छोटी सी, यकीन करें ज़्यादा से ज़्यादा सर ना 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको ये बनाने में, चीज़ें भी तैयार करने में और बनाने में भी। तो ऐसे करते हैं कि किचन में चलते हैं, इस रेसिपी भी बताती जाती हूँ, साथ में बच्चों के भी क्लिप आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो जी आपने वीडियो में मेरे साथ रहना। तो कैटरिंग के बारे में पूछते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिकली एक बड़ी स्वीट सी लेडी थी, उन्होंने मामा को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि मुकद्दस की एक्नी कैसे ठीक हुई। तो मैं आपको बताती हूँ, एक्सपीरियंस जो होता है ना वो आपको काफी कुछ सिखाता है। अपनी स्किन के साथ टाइम बताना, लिटरली मतलब स्किन केयर पे टाइम लगाना, जाया करना बिल्कुल नहीं कहूंगी मैं इसे, ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है किसी के लिए भी, आपके लिए भी होगा। स्किन पे अपनी आप जितनी मेहनत करेंगे या जितना आप अपनी स्किन को टाइम देंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, आपको पता चलता जाएगा कि उसके लिए क्या अच्छा है। और मुझे पता चला कि मेरी स्किन का मसला था मुंह ना धोना और उसे मॉइस्चराइज ना करना। लिटरली इसमें एक्नी सीरम कहीं पे भी नहीं है, फिर भी मैं एक्नी सीरम लगाती हूँ, ठीक है? लेकिन हम बेसिक्स को भूल जाते हैं। ये एक बहुत मजे की बात है और ये स्किन केयर पे भी अप्लाई होती है कि जिंदगी में खुश रहने के लिए आपको बेसिक्स की तरफ जाना जरूरी है। तो यहाँ पे अपने बेसिक्स की तरफ जाना है और एक अच्छा फेस वॉश और एक अच्छा मॉइस्चराइजर जो है वो आपकी स्किन को लिटरली तब्दील कर सकता है, जिस तरह मेरे साथ हुआ। मेरी स्किन अब बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है, लिटरली इवन द स्पॉट्स। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी एक इंतहाई जबरदस्त एक्नी एंटी एक्नी फेस वॉश के लिए, जो कि है चिल्ड्रन प्योर का टी ट्री एंटी एक्नी फेस वॉश, ठीक है? क्लिंजिंग है ये, मतलब क्लिंजिंग एक्शन है इसका, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लामेटोरी है और ऑल स्किन टाइप्स के लिए, ठीक है? आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, स्किन को ब्राइटन भी करता है, एक्सेस ऑयल ऑब्वियसली। ये क्लिंजर है ये फेस वॉश, आप दोनों एक ही ऑलमोस्ट एक, मतलब मुंह धोने के लिए ये बहुत अच्छे से स्किन को ब्राइट करता है, एक्सेस ऑयल रिमूव करता है और ऑब्वियसली जब आपकी स्किन क्लीन होगी तो ये पिंपल्स भी नहीं आएंगे जिनकी वजह से दाग भी नहीं बनेंगे। यही वजह है कि मेरे दाग भी साथ साथ कम होते रहे हैं, क्योंकि अगर मेरा कोई पिंपल निकला भी है तो यकीन करें आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो खुद ही अंदर चला जाए। जो मैं लोगों को देखती थी ना, वो कहते थे कि कल दाना निकला था और 2-3-4 दिन बाद खुद ही अंदर चला गया, कोई दाग नहीं बना। मेरे साथ भी इस दफा ये हुआ है। और अब ये करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट सर, मैं कहती हूँ कि एक्नी सीरम भी ना लगाएं। अव्वल तो आप इतने स्ट्रेस्ड होंगे एक्नी, जिन लोगों को है कि आप एक्नी सीरम जरूर लगाएंगे, बट स्टिल इसको बिल्कुल मत छोड़ें। ये है हाइलुरोनिक सीरम, मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को इसके बारे में बताया, लिटरली ये एक मिरेकल चीज़ है, स्किन में मॉइस्चर को लॉक कर देती है। डैम फेस के ऊपर आपने इसे लगाना है, बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। और जो इन्फ्लेमेशन आपकी स्किन पे हुई भी होती है ना, जिन लोगों को सीवियर सिस्टिक एक्नी है या नॉर्मल एक्नी भी है या पिंपल जो रेड हुआ हुआ होता है, उसको भी ये सूट करता है, ठीक है? और स्किन का मॉइस्चर जो है वो बहुत अच्छा होगा इससे, फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको इसे लगा के भी दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी मैं यही लगाऊंगी, मैंने मेकअप करना है और आप मेकअप से पहले भी
इसे लगा सकते हैं। अगर किसी ने पहले मैंने ये बात नहीं की या आप लोगों को ये बात नहीं पता या आप लोगों को आज पता चल रही है तो कहूँगा मुझे भी थोड़े ही देर पहले पता चली थी, मतलब 3-4 महीने पहले। हालांकि हाइलुरोनिक मैं 2-1 साल से यूज कर रही हूँ। खड़क चिकन बनाने जा रही हूँ तो चले आप इसको बनाना कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। पैन मैंने रख लिया है वहां पे, साथ में चिकन मैंने ले लिया तकरीबन 1.5 kg। ये चिकन है, अच्छे से वॉश करके देख लें, बड़े अच्छे से ड्राई हो गए। तकरीबन 2 लेमन का रस ले लिया मैंने साथ में। जिंजर गार्लिक पेस्ट है यहाँ पे, पेस्ट नहीं है, चॉप हुआ हुआ है, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर अभी फ्रेश बनाया। और तकरीबन 6 से 7 सब्ज मिर्चे हैं, धनिया भी सोख कर लिया है पानी में, ऑयल भी रख लिया है साथ में। और साथ ही में ये जो टमाटर और है ना प्याज, ये इस तरह से मैंने गोल गोल कट कर लिए हैं, ठीक है। ये अभी इनको मैंने रिंग शेप पे बनाना है, लेकिन अभी मैंने नहीं था छेड़ा, मैंने कहा चले पहले मैं बाकी सारी तैयारी कर लूँ, तो फिर हमने इसको ना ऐसे करके ना रिंग शेप में बना लेना है, ठीक है, अलग अलग कर लेना है। साथ में 10 के सारे स्पाइसेस रख लिए हैं, जो जो जितना जितना जाएगा साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। तो चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जी इसमें जा रहा है ऑयल इसमें, अच्छा अभी मुझे योगर्ट नहीं याद रही रखनी, वो भी अभी मैं रख लेती हूँ। ऑयल तकरीबन इसमें मैं डालने जा रही हूँ 1/4 कप ऑयल का जाएगा, लेके 1 कप देंगे, ठीक है। बड़े अच्छे से इसको मैंने फेंट लिया है, हमारा हो चुका है गरम। और अब जी इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ चिकन, बड़े अच्छे से वॉश करके और इसको आप मैं छलनी में डाल दूंगा। अच्छे से जी हमने आप इसका चमचा हिला के तो ऑयल के साथ इसको कर लेना है मिक्स। अब इसके अंदर जो सबसे पहले चीज़ जाएगी वो है अदरक लहसुन, इस तरह से क्यूब मैंने बना के रखे हुए होते हैं। अगर टेबलस्पून का हिसाब लगाएं तो 2 चम्मच ये गार्लिक बनता है और 2 ही चम्मच जिंजर बनता है, ठीक है। इस तरह से चॉप करके तो मैंने क्यूब्स बना के तो रखे हुए होते हैं, तो ये 2 क्यूब्स मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब ये साथ साथ में होते रहेंगे, मैं साथ साथ में इसकी बुनाई होती रहेगी। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने अच्छे से ना इसकी बुनाई कर लेनी है, ठीक है। इतनी देर में ना मैं आपको ज़रा बच्चों का क्लिप दिखाती हूँ। चिकन को जी मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है, साथ ही में मैंने रख लिया है फ्राई पैन। इसमें मैं जी फिश फ्राई करने जा रही हूँ, ये मैंने मसाला लगा के इस तरह से पैकेट बना के फ्रीज किए हुए होते हैं। साथ ही में जी 10 के सारे स्पाइसेस रख लिए हैं, जो जो जितना जितना मसाला जाता जाएगा साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। बिल्कुल आप कर लेंगे, यहाँ पर 4 से 5 टेबल स्पून मैंने डाले हैं ऑयल के, और इसमें फ़िश इस तरह से रख के ना तो ढक्कन दे के ऊपर स्टीम ऐसे जैसे देते हैं ना, वैसे मैंने ना फिश को फ्राई कर लेना है। अच्छा साथ साथ इस तरह की चीज़ें बनाते रहा करें ताकि बच्चे देखते रहते हैं और फिर उनको आदत पड़ती है खाने की, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं ना तो उनको आदत पड़ जाती है। आप देखेंगे कि जब ये फ़िश फ्राई होती है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल कि ये सारा ऑयल इसी के अंदर ख़त्म हो गया था, क्योंकि मलिक साहब को भी ऑयल पसंद नहीं है, हम सब भी ऑयल इतना शौक से नहीं खाते हैं। बिल्कुल लाइट से मतलब रख के ना ऑयल में मैं खाना भी बनाती हूँ और कोई फ्राई भी चीज़ बन रही है तो वो भी इसी तरह से बनती है, ठीक है। अब बस इसको ढक के तो इस तरह से बना लूँगी। अब ये जी मैंने स्पाइसेस ओपन कर लिए हैं जो इस खड़ा चिकन में जाएंगे, तो यहाँ पे रहता है मोबाइल और मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। 1.5 टेबल स्पून शामिल की है मैंने इसमें धनिया पाउडर की, और आप जी कुटी हुई लाल मिर्च आ रही है ये भी 1.5 टेबल स्पून ही शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमें ज़रा चटपटा सा चाहिए। 1.5 टेबल स्पून ही मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और साथ ही में 1 टीस्पून डाली है इसमें काली मिर्च। हल्दी जा रही है इसमें 1/2 टीस्पून,
और जी इसमें सुर्ख मिर्च मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून, ठीक है, क्योंकि हमें ज़रा ये ना अब चटपटा सा चाहिए। और गरम मसाला मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, बाकी जी सारे के सारे मैंने स्पाइसेस इसमें शामिल कर दी हैं। अब चिकन को तो हमने पहले अच्छे से भून लिया था, लेकिन जो मसाले हैं वो हमारे इस स्टेज पर फ्राई होंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए आपने स्पाइसिस को अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक तो इससे सालन का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है जो भी आप बना रहे हैं, और एक दूसरा जो मसाले बड़े अच्छे से भून जाते हैं और उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब जी यहाँ पे मैंने शामिल कर देनी है दही। दही यहाँ पे आप कर लेंगे तकरीबन 1.5 पाव है, आधा किलो भी आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं ना तो आप आधा किलो भी शामिल कर सकते हैं। अब जी मैंने इसको कर लेना बहुत अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ पानी। पानी तकरीबन 1 गिलास यहाँ पे मैंने शामिल करके तो इसको ढक के तो अच्छे से हमने चिकन को यहाँ पे गला लेना है। हमारी यहाँ पे दही भी साथ में पक जाएगी, साथ में हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाएगा, और साथ साथ में हमने इसका चमचा भी हिलाते रहना। यहाँ पे जी हमारी फ़िश भी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है, देखिए कितना प्यारा कलर आया है, और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, ठीक है। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बस उसी को वैसे ही मसाला लगा के आपने फ्रीज़ कर लेना है, और यहाँ पे मैं साथ साथ में चम्मच लाती जा रही हूँ ताकि हमारा चिकन अच्छे से एक जैसा गल भी जाए और साथ ही में ड्राई भी होता जाए, ठीक है। और यहाँ पे जी हमारा चिकन रेडी हो चुका है, और अब मैं आपको इसका फाइनल दिखाती हूँ। ये देख लें, इस तरह से आपने रेडी कर लेना है। यहाँ पे आपको ज़रा ऑयल ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और इतना सा मसाला जब आपका रह जाएगा तो इसके अंदर जी हम शामिल करने जा रहे हैं 2 नींबू का रस। अच्छा, ये 2 बड़े नींबू हैं उनका रस है, और अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 3 शामिल करें, लेकिन लेमन यहाँ पे आपने लाजमी शामिल करना है। और 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है गरम मसाला की, अच्छा भर के मैंने शामिल किया, तकरीबन आप कर लें कि 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला यहाँ पर शामिल किया है। और अब जी इसको मैंने करना है बहुत अच्छे से मिक्स, और अब जी इसमें मैंने शामिल करनी है वेजिटेबल। अच्छा, वेजिटेबल ये मैंने देखी इस तरह से रिंग बना लिए थे, और साथ ही में ये टमाटर हैं, साथ ही में जाएंगी सब्ज़ मिर्च, ये सारी की सारी जो है ना सब्जियां, ये अब मैंने इसके अंदर शामिल कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे हमने वेजिटेबल शामिल करनी है क्योंकि ये खड़ा चिकन बनना जा रहा है, तो इसमें ना खड़े जो है ना सारे के सारे वेजिटेबल होंगी, वो आपको ना खड़ी खड़ी मतलब साबुत नज़र आएंगी। और थोड़े से मैंने टमाटर वापस निकाल लिए हैं क्योंकि मैंने गार्निश के लिए ना ऊपर रखने हैं, और साथ ही में क्योंकि मुझे अलहदा करने याद नहीं थे इसलिए मैंने फिर वापस निकाले हैं। और साथ ही में मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं, टमाटर भी शामिल कर दिए हैं, और इसको हमने बहुत अच्छे से कर लेना है मिक्स। अच्छा, सिर्फ हमने मिक्स करना है यहाँ पर, इसको हमने पकाना छकाना नहीं है। हालाँकि फ्लेम ऑन है इसका, क्योंकि ताकि ना हमारी जो टमाटर और जो है ना इनको हीट मिल जाए, मतलब इन गर्म हो जाए, ये ना हो कि हमारा चिकन जो है वो वेजिटेबल डालने के बाद ठंडा हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमें ज़रा गर्म गर्म ये चाहिए। और बस इसको ऐसे गर्म करने के बाद तो अब जी मैंने इसको कर लेना है डिश आउट। फ़िश भी जी यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, ये भी मैंने प्लेट में निकाली थी, और साथ ही में जी हमारा खड़ा चिकन भी रेडी हो चुका है। ये भी आपने मेरे कहने पे लाजमी एक दफ़ा ट्राई करना है, बड़ी एक चीज़ हट के बनती है और झटपट से तैयार हो जाती है। अगर आपका नहीं भी दिल कर रहा ना खाना बनाने को तो आप ये बनाइएगा, बिल्कुल भी 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है। टमाटर इस तरह से ऊपर और साथ में धनिया के साथ मैंने गार्निश कर दी है, देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है। अगर आपके पास अदरक है तो वो भी आप लाजमी ऊपर शामिल कीजिएगा, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं नहीं डाल सकी हूँ। अब जी इसको कवर करके तो ऐसे करते हैं, आप खाने की टेबल पे मिलते हैं। कोई नहीं, गर्म तो जरा भी नहीं है। आमना कह रही है मेरी तबीयत नहीं है सही, मैंने खाना नहीं खाना। आमना के लिए सबने दुआ करनी है, आमना ठीक हो जाए, है ना आमना। आमना गर्म हो रही है, और ये देखें जी आप सूख नहीं देख रहे। हाँ जी मलिक साहब ठीक है, हमारे साहब को समझ नहीं आ रही कि मैं फिश खाऊं या मैं ये खाऊं। ये जी इस तरह कढ़ाई में ही डाल दी है मैंने, और खा रहे हैं सभी। गतस कैसा है? अच्छा, टेस्ट कैसा? नहीं जरा चेंज हट के आया या अंजे गया? काफी हट के हैं। अच्छा, सही सही सीधा सा, वाकई अच्छी बनी। तो चलें जी ये सब खाना खा रहे हैं, और आज ही मुकद्दस भी माशाल्लाह ये देखिए इंजेक्शन हुई है और कह रही है कि मामा आप कर लें शूटिंग, और मेरा शूटिंग करवाने का आज दिल नहीं है, इसलिए मैंने कहा मैं सबकी कर लूँ।
अच्छा ये जी इब्राहिम आज कद्दू वाली सालन के माशाल्लाह स्पीडेंस ने चढ़ाई हुई है, साथ में इसमें रुमाल रखा हुआ है, आराम से साथ साथ हाथ साफ होता जा रहा है, खाता जा रहा है, और इसने इसको हाथ भी नहीं लिया, और ये माशाल्लाह से खाना सारा बहुत ज़्यादा अच्छा था, फिश किसी ने भी नहीं छेड़ा फिश को कि वो यही खाते रहे बस। इब्राहिम क्या हो रहा है, स्टडी हो रही है, स्टडी हो रही है, इतने सोने बंदे भी स्टडी करते हैं, मैंने जो नहीं सुना जी कसम से नहीं सुना, ये सोने बंदे भी स्टडी करते हैं। अदी जी ये सारी स्टोरी बुक है मुकद्दस की, अदी फाड़ के ऐ हुण स्टडी याद आ गई मेरे पुत्र नूं, भी लिख रही है इंग्लिश भी लिख रही है, अपनी तरफ से ना लफ्ज बना रही है, ये देखें जैसे लिखती जा रही है। अमना क्या लिख रही हो, क्या लिख रही हो अमना की जी, कल की थोड़ी तबीयत खराब हुई है, परसों इसके बाबा जी ले आए हैं कॉर्नेटो, इसने खाई है और इसकी तबीयत खराब हो गई है, कदस बाहर वॉक कर रही है, खा रही हूँ, और माशाल्लाह से खाना बहुत ज्यादा मजे का फ्रेश बना हुआ था, और फ्रेश फ्रेश मैंने टेस्ट किया था, और इब्राहिम ने देखा ना वो सैलेड अपनी साइड से काट दिया और बीच में से खीरे उठा उठा के खा रहा है इसने बिना खाना को नहीं खाया उस टाइम पे मेरे साथ। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको ये अच्छी लगेगी क्योंकि ऐसी यूनिक सी और जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में होती है ना सेम वैसी बनी है, और टेस्ट भी माशाल्लाह इसका बहुत ज्यादा अच्छा और यूनिक सा है। तो आज की वीडियो में जितने मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, और अगर आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।